हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वर्लपूल कॉर्पोरेशन के शेयर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिली है और अगले दिन आपको ये किस तरह से सिग्नल प्रोवाइड करा सकती है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ इसके डिलीवरी भी डिस्कस करने वाला हूँ और अगले दिन आपको ये किस तरह के कैंडल के साथ प्रोवाइड आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है और काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। ये सारी कन्फर्मेशन मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारी कन्फर्मेशन के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए मैं आपके साथ इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेंटीमेंट डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके सामने वर्लपूल ऑफ इंडिया यानी गाइस वर्लपूल का चार्ट लगा रखा है। अगर बात करें गाइस इसके लास्ट क्लोजिंग प्राइस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2125 की देखने को मिल रही है, जो कि ये 87.30 रुपीज से आपको डाउन बनाता हुआ यानी कि गाइस -3.95 यानी लगभग 4% जो शेयर में आज काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आगे बढ़ते हुए अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस को फोकस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2212 के इसके क्लोजिंग प्राइस, और अगर इसके ओपनिंग प्राइस की बात करें तो 2215 की ओपनिंग प्राइस यानी कि इस गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर बात करें इसकी हाई प्राइस की, तो 2233 की इसने हाई भी क्रिएट किया है और 2092 का इसने लो क्रिएट किया है, यानी कि इस काफ़ी नीचे तक शेयर जाता हुआ देखने को भी मिला है। जैसा कि आप इसके परसेंटेज से भी अंदाजा लगा सकते हैं, काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ट्रेडेड वॉल्यूम कैसे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 5,054,439 की इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिली, यानी कि आगे बढ़ते हुए गाइस अगर इसके 52 वीक हाई को भी फोकस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2787 का जो है इसने अपना 52 वीक हाई क्रिएट किया, जो कि इसने 22 जनवरी को ही इसने अचीव किया, यानी गाइस काफ़ी पहले इसने अपने 52 वीक हाई अचीव की थी, लेकिन अभी प्राइस की बात करें तो काफ़ी नीचे चलता हुआ अभी देखने को मिल रहा है और अभी भी ये डाउन ट्रेंड बनाता हुआ ही देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी डिलीवरी कैसी रही है, जो कि मैं आपके साथ इसका करंट अपडेट डिस्कस करने वाला हूं। आप देख सकते हैं अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं 4,96,871 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हुआ शेयर देखने को मिला, लेकिन अगर बात करें इसके डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं 1,27,435 क्वांटिटी की इसकी डिलीवरी देखने को मिली, यानी कि अगर परसेंटेज को भी फोकस करें तो आप देख सकते हैं 25.65% की इसकी डिलीवरी देखने को मिली, यानी कि काफ़ी क्लियरली जो है अगर देखें तो बायर साबित होते हुए एक तरह से यहाँ पे शेयर में देखने को मिल रहे हैं 25% की यहाँ पे इस शेयर में डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो गाइस काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हुआ भी शेयर देखने को मिला है, बट शेयर में आपको आज गिरावट देखने को मिली है। अगर न्यूज़ की बात करें तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी समय में, आप हमारे वीडियो में तक बने रहें। फिलहाल आप देख सकते हैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको क्लियर करता हूँ इसके न्यूज़। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है वर्लपूल इंडिया का चार्ट लगा रखा है। अगर बात करें इसके अपडेट्स यानी कि इसके न्यूज़ की, तो आप देखते हैं मैंने आपके साथ आज का ही न्यूज़ मंडे 1 नवंबर का ही आपके साथ 1 नवंबर का मैंने आपके साथ डिस्कस किया है न्यूज़। आप देख सकते हैं वर्लपूल इंडिया September 2021 क्वार्टरली चार्ट की अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 79.49 करोड़ की देखने को मिली। अगर ईयर एंड ईयर बेसिस पे आगे इसके प्रॉफिट को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 128.62 करोड़ की देखने को मिली थी, जो कि गाइस अगर देखें तो इस बार के रिजल्ट के अनुसार काफ़ी डाउन देखने को इसकी प्रॉफिट मिली है, यानी गाइस प्रॉफिट में तो है ये, लॉस में नहीं बल्कि आप प्रॉफिट में ही है, लेकिन अगर फोकस करें तो आप देख सकते हैं पिछले ईयर के अपेक्षा इस बार आपको बहुत ही कम प्रॉफिट देखने को मिली है इसके शेयर में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी इनकम क्या रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर इस बार के रिजल्ट के अनुसार देखें तो 1,625.23 करोड़ की इसकी इनकम देखने को मिली, वर्सेस अगर इसके ईयर और ईयर पे इसके जो है कंपेयर करें इसके इनकम से, तो आप यहाँ पे देखते हैं जो कि पिछले ईयर में इसका इनकम 1,634.31 करोड़ की देखने को मिले, तो गाइस आप यहाँ पे देखते हैं 1,634 और गाइस ये 1,624 गाइस आप देख सकते हैं लगभग काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है 9 करोड़ की गाइस 9 करोड़ की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके इनकम में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है और आप देख सकते हैं इसके प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। तो गाइस गिरने के कारण यही है कि रिजल्ट आने के बाद अगर देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छी तरह से नहीं आ पाई है, क्लियरली नहीं आ पाई, रिजल्ट में आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट तो क्लियर है बट ये शेयर जो है प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कर पाई, जिसने इस यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर इसके अगले दिन के सिग्नल्स की बात करें तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसके चार्ट और कंफर्म कराता हूँ इसके अगले दिन के सिग्नल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने जो है यहाँ पे वर्लपूल का भी चार्ट लगा रखा है। अगर फोकस करें तो आप देखते हैं मैंने 1 डे कैंडल के साथ वर्लपूल का चार्ट लगा रखा है और साथ ही साथ मैंने आपके सामने RSI का इंडिकेटर भी लगा रखा है। और इसके सिग्नल्स जो कि अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं अभी आपको ये सिग्नल्स जो है सेल के प्रोवाइड कर रहे हैं,
भाई मैं आपको कंफर्म कराता हूँ, फिलहाल आप देख सकते हैं इसके जो है सिग्नल्स आपको यहाँ पे लगातार दो दिनों से बीयरिश कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अगर देखें तो इसने अपना टारगेट अचीव करने के बाद आपको फिर से गिरावट देखने को मिली, जो कि इसने अपना एक टारगेट यहाँ पे अचीव किया था एक तरह से सपोर्ट बना करके वापस इसने रिवर्सल प्रोवाइड की थी, शेयर में उछाल देखने को मिला था, लेकिन गाइस यहाँ से फिर से आपको एक तरह से ये टारगेट आपको एक सपोर्ट बनाता हुआ इसको अचीव करता हुआ यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर देखें तो अपने पिछले टारगेट को भी ब्रेक डाउन करते हुए काफी नीचे की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिला और ये अपना सपोर्ट भी आज अचीव किया है, लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो इसके ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग प्रोवाइड किया है, जो देखिए गाइस तो 2089 पे जो है इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव किया था। और गाइस अगर बात करें अगले दिन के सिग्नल्स की तो आरएसआई की मदद से अगर देखें तो गाइस आरएसआई आपको कंफर्म जो है सेल का सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, और अगर इसके कैंडलस्टिक के अनुसार अगर देखें और खुद से अगर कंपेयर करें और अंदाज लगाएं तो आप एनालिसिस के बाद आप कह सकते हैं कि अगले दिन आपको बीयरिश कैंडल के चांसेस क्लियर हो रहे हैं, छोटे ही सही लेकिन आपको बीयरिश कैंडल के चांसेस क्लियर हो रहे हैं। अगले दिन अगर बात करें तो अपना फिर से सपोर्ट अचीव कर सकता है जो कि 2089 पे बन रहा है। अगर बात करें इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ने की तो गाइस यहाँ तक के चांसेस आपको क्लियर हो रही है, सेकंड सपोर्ट तक भी आने के चांसेस बन सकते हैं जो कि 1996 पे इसका सेकंड सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें अगले दिन के बुलिश कैंडल्स की तो गाइस अभी चांसेस क्लियर नहीं हो पा रहा है अगले दिन के बुलिश कैंडल्स की, लेकिन अगर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए आप होल्ड करें शेयर को अगर बाय किए हैं तो, या फिर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप थोड़े समय के लिए वेट करें और थोड़े समय के लिए होल्ड करें, आपको काफ़ी अच्छे सिग्नल मिल सकती है, आपको एक बड़े प्रॉफिट के सिग्नल्स प्रोवाइड हो सकते हैं है। क्योंकि अगर आप फोकस करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई जो है काफी वीक हो चुका है और यहाँ से कंफर्म बुलिश का सिग्नल मिलने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं थोड़े समय के बाद। जैसा कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको बुलिश के सिग्नल्स मिले थे लेकिन वापस से शेयर में आपको न्यूज़ में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि न्यूज़ थोड़ा बैड देखने को मिला, यानी कि शेयर रिजल्ट जो है थोड़ी बैड देखने को मिली, इसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली है। तो आइए पता है अगले दिन के सिग्नल्स के बाद और करते हैं इसके टारगेट्स क्लियर। जैसा कि आप देखते हैं अगर ये बुलिश कैंडल बनाते हुए आगे क्यों बढ़ता है तो 2197 की इसकी फर्स्ट टारगेट देखने को मिल रही है, जो कि कम समय में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हुए इसका इसके सेकंड टारगेट की बात करें तो 2305 की देखने को मिल रही है, और अगर बात करें इसके थर्ड टारगेट की तो 2416 की, और एक बड़े समय के बाद बात करें इसके बड़ी प्रॉफिट की तो आप देख सकते हैं 2524 की आपके सामने देखने को मिल रही है। गाइस काफ़ी बड़ी और अच्छी टारगेट देखने को मिल रही है जो कि एक बड़ी प्रॉफिट आप खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे शेयर की गिरावट के कारण बस एक ही देखने को मिल रही है कि शेयर रिजल्ट जो है थोड़ी बैड देखने को मिली है, जिसकी वजह से शेयर में आपको एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है, लगातार दो दिनों से बड़ी गिरावट देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के सेल्स न्यूज हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेटर सपोर्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।